नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हमने फ्यूचर स्टॉक्स का सीरीज निकाला है जिसमें हम सारे फ्यूचर स्टॉक्स को एनालिसिस कर रहे हैं। तो तकरीबन 30 स्टॉक्स हमने एनालिसिस कर लिए हैं दो वीडियोस में। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगा देख सकते हैं या फिर आई बटन ऊपर आ रहा है उसको देख के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारत फॉर्ज लिमिटेड, ठीक है, इसको एनालिसिस करेंगे। सारे फ्यूचर स्टॉक्स हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो पिछले वीडियोस देखना ना भूलें। तो वीकली कैंडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है हालत इसका, वीकली कैंडल अगर देखा जाए तो फॉलिंग वेज बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, तो ये एक बाइंग सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी तो ब्रेकआउट बन चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट हम ढूंढेंगे, वीकली टारगेट। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ले रहे हो तो कहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा? वीकली के हिसाब से आप डायरेक्ट लगा लो टारगेट 880। बाइंग साइड में है, इसको बाय साइड में आप बाय करके रख सकते हो। अच्छा स्टॉक है भारत फॉर्ज लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी भी ये बनाता है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट में भी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जब तक ये हाई नहीं तोड़ता, नया पोजीशन ना बनाए, आरएसआई में बाय दिस सिग्नल आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आप अगर नया फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो 800 के ऊपर एंट्री करना, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, कल परसों या दो चार दिन के अंदर क्या होने वाला है। ये ट्रेंड अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ये वाला, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ नहीं, 15 मिनट के हिसाब से बाइंग सिग्नल तो नहीं दे रहा है। मैं अगर कहूँगा होल्ड, इसमें एंट्री अभी ना करें। अगर बाई साइड में जाना चाहते हैं वो 1775 या 780 के ऊपर जाइएगा। उसी तरह डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो 800 के ऊपर हम बाय या सेल सिग्नल के लिए जा सकते हैं। अभी के लिए नो एंट्री है, इसमें नया पोजीशन ना बनाए, ठीक है। चलिए दूसरे स्टॉक पे जाते हैं, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। हाँ, इसमें एक हलचल देखने के लिए मिली है। चलिए भारतीय एयरटेल को समझते हैं क्या है इसका हाल। भारतीय एयरटेल फ्यूचर को अगर देखें, पहले वीकली से कम देखेंगे। मैं आज इसमें एक ट्रेड लिया था और इसमें एक ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है डेली कैंडल चार्ट में। क्लियरली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। वीकली में अगर मैं कहूँ तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हाई जा सकता है। डेली कैंडल चार्ट चलेंगे, डेली कैंडल चार्ट में 220 क्रॉसओवर हो चुका है, आरएसआई 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होके फिर से ऊपर जा सकता है। पोजिशनल बाइंग है तो नीचे की तरफ आप 725 का एक लो देखने के लिए मिल सकता है, उसके बाद इसमें प्राइस अपवर्ड जाएगा। अगर 15 मिनट चार्ट कल परसों के बारे में आप सोच रहे हो तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है। मैं ऑलरेडी इसमें चार्ट में ट्रेड कर चुका हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बन रहा है, नो इशू। अभी के लिए फ़िलहाल ये डाउन ट्रेंड है। इसमें अगर ये ब्रेक करता है तो नया हाई 783 तक जा सकता है, 83 तक जा सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट नहीं है। कल परसों के लिए आप अगर ये स्टॉक खरीदते हो तो आपका टारगेट रहना चाहिए 770 के टारगेट में बाय कर सकते हो कल, अगर पॉजिटिव ट्रेंड में मिलता है। मुझे लग रहा है कल पॉजिटिव में मिले। कहाँ पे एंट्री करेंगे, कल अगर एंट्री करते हैं तो 754-755 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रेंड नहीं मिल रहा है अभी। ओके, BHEL जो बाय सिग्नल दिखाएगा मैं आपको बताऊँगा कि इसमें बाय करना है। हम सबको एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं फिर क्या हो रहा है। अगर डेली कैंडल चार्ट देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने पहला टारगेट 64 दिया था, ये डेली ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर है 71 और
ये बहुत ही स्ट्रांग बाय में है। आप अगर पोजीशन नहीं बनाए हैं, अगर डिस्काउंट में मिलता है, प्राइस अगर रिट्रेस होता है, तकरीबन आपको लगभग 60 के पास मिल जाएगा। 60 के पास मिलने पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट देखेंगे, 15 मिनट चार्ट भी कंटिन्यूअसली रैली में है, वही 60 रुपीज़ का सपोर्ट दिखा रहा है। जैसे ही 60 रुपीज़ में मिले तो आप एंट्री कर सकते हो इसमें, ठीक है। बायोकॉन फार्मा शेयर के ऊपर फोकस रखिए, मार्केट गिरता है तो फार्मा शेयर्स तेजी पकड़ते हैं। तो इसको पहले डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे, बहुत तेजी से गिर रहा है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और कंफर्मेशन लेंगे कि कितना स्ट्रांग है ये पैटर्न। चलिए ये हो गया अप ट्रेंड में, डाउन साइड में ये हो गया, ठीक है। फॉलिंग वेज बन रहा है, बीचों बीच है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से बाय सेल कुछ नहीं कर सकते, सेल के साइड में आप जा सकते हो। यहाँ एक बहुत ही जोरदार सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर प्राइस ये लो जो बनाया था 290 को तोड़ता है तो और भी नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर भी रेजिस्ट हो सकता है प्राइस। तो डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से तो अभी फ्रेश एंट्री करना मना है। 15 मिनट चार्ट देखेंगे, 15 मिनट चार्ट में एक बहुत ही शानदार तेजी देखने के लिए मिला है, लेकिन यहाँ पर भी हम एंट्री करने के लिए मना करेंगे। एंट्री ये हाई जब तोड़ेगा उसमें एंट्री कर सकते हैं। 311 312 के बाद अगर प्राइस मिलता है तो उसमें एंट्री कीजिए, आपको टारगेट 340 तक देखने के लिए मिलेगा। डाउन ट्रेंड में है ये, बीच बीच में जो तेजी देखने के मिलता है, ये तेजी पिछले हाई को नहीं तोड़ पाता, वहां से वापस आ जाता है। तो ये प्रीवियस हाई को जब तक नहीं तोड़ता तब तक इसमें एंट्री नहीं कर सकते। बॉश लिमिटेड देखेंगे, बॉस का फ्यूचर अगर वीकली कैंडल चार्ट देखें तो बराबर यहाँ पर एक हाई में आके प्राइस रिट्रेस हो रहा है, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रहा है जैसे लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल में आके रुका है। यहाँ पर अगर प्राइस आपका ये हाई 18,105 तोड़ता है, 18,105 तोड़ता है तो नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। लगभग आप पकड़ के चलिए 18,900 और 19,000 20,000 का टारगेट लेके आप बाई कर सकते हो, लेकिन जब तक ये हाई नहीं तोड़ता तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से। डेली कैंडल चार्ट इसमें बहुत ही लो वॉल्यूम है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग के लिए ना लें, अगर लेते हैं तो पोजिशनल बाई सेल कर सकते हैं। बीपीसीएल देखेंगे, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, बीपीसीएल फ्यूचर डेली कैंडल चार्ट देख रहे हैं, नीचे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर क्या बन रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है। डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, बाई साइड में ना जाइए, जब कभी भी मौका मिले सेल के साइड में जा सकते हैं। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से मेरा सेल है, जैसे ही ये लो तोड़ता है मतलब 320 तोड़ता है तो सेल कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं आपका 306 का। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, हो सकता है 15 मिनट के चार्ट में बाई साइड में दे सक रहा हो। हाँ, 15 मिनट में एक तेजी देखने के लिए मिला है, बाय अगर कर रहे हैं नया फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो 325 का स्टॉप लॉस लगाए, 325 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 334 और दूसरा टारगेट आप लगभग रख सकते हैं 335 का एक टारगेट, और लगभग दूसरा टारगेट जो है आपका 346। देखिए ये 2-3 दिन के लिए पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है, लेकिन नीचे के साइड में मैंने जैसे बताया डेली कैंडल चार्ट में 220 तोड़ता है तो एक नया लो बना सकता है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहे। ये बीच बीच में जो तेजी मिलता है ये तेजी गिरने से पहले का तेजी होता है। बीपीसीएल हो गया, अभी चलते हैं ब्रिटानिया के पास। मुझे पता है आप लोग ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते, फिर भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। डेली कैंडल चार्ट में अगर देखें, देखिए फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ये सब भाग सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। ये नो ट्रेड जोन में है फिलहाल के लिए, सेल साइड में आप जा सकते हैं, अगर मार्केट भागेगा तो ये नीचे गिर जाएगा।
ओके, सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, 2-3 दिन के लिए ट्रेड कुछ मिल रहा है क्या? क्या? हाँ जी हाँ, डाउन ट्रेंड में है, राइजिंग वेज बना है, फिर से गिरने की कोशिश में है। अगर प्राइस 3654 तोड़ता है, 3654 3650 ले लीजिए, तो नया दूसरा जो पहला लो था 3600 का लो बना सकता है, और उसके बाद डायरेक्ट आके आ सकता है 3500 तक आ सकता है प्राइस। सेलिंग साइड में इसमें काम करेंगे। अभी अगर प्राइस राइज होता है तो 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, 3600 का रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ता है तो भी जाके इसमें बाय ट्रेंड मिलेगा। आप अगर रेजिस्टेंस का लाइन देखना चाहेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक भागने वाला है, आराम से काम कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड को देखेंगे क्या है इसमें। हम सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहे हैं, आप अगर कोई सीखते हैं इससे तो शेयर करना जरूर सर। यहाँ पे शेयर बहुत ही जोरों से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो इसमें तो अभी देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फिर से बन रहा है, एक नया लो बना सकता है डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से। मुझे, मैं इसमें सेल के लिए ही रिकमेंड करूँगा, बाय साइड में नहीं बोलूँगा। अगर RSI और ADX देखेंगे तो नो ट्रेडिंग जोन में है, इसमें अभी के लिए चार्ट वगैरह ना, अभी के लिए ट्रेड वगैरह ना करें। जैसे ही शेयर प्राइस लो तोड़ता है 317-18, तो हो सकता है प्राइस आके 307 या 300 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, और यह नया हाई बना सकता है। सिंपली हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, इसमें बाई साइड में ना जाए। कैनरा बैंक, बैंक्स में तेजी देखने के लिए मिला है। नहीं, अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है, तो इसको थोड़ा हम अच्छे से सर्च करेंगे। पूरा कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, इसका लाइफ टाइम का देख लेंगे तो PSUs लगभग 10 सालों से गिर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कनाडा बैंक में एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है, देखते हैं ये ब्रेकआउट संभाल पाएगा या नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक W पैटर्न बन रहा है डेली कैंडल चार्ट में, इसको अगर तोड़ दिया तो हो सकता है आपका कनाडा बैंक 275 या फिर 300 तक जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये तोड़ पाएगा, यहाँ पे रजिस्टर होके वापस भी आ सकता है। तो जब तक इस ट्रायंगल में नेगेटिव साइड में है, अगर नीचे की तरफ आता है तो आप 195 का टारगेट लेके सेल कर सकते हैं, लेकिन बाई साइड में अगर जाते हैं तो मैंने टारगेट बताया आपको 276 और 300 का टारगेट लेके इसको बाय कर सकते हैं कनाडा बैंक, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो। फिलहाल 2-3 दिन के लिए क्या कर सकते हैं इसको, 2-3 दिन के लिए यहाँ पे फॉलिंग वेज बनाया, तो ये फॉलिंग वेज एक अच्छा सिग्नल होता है प्राइस का अप ट्रेंड आने के लिए। तो मुझे लगता है 2-3 दिन के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। 220 नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बाय के लिए स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा 240 का, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट रख सकते हैं 248 का, 240 का स्टॉप लॉस, 242 का ये है एंट्री है, और 248 का टारगेट है, और उससे ज़्यादा भी नया टारगेट भी आप दे सकते हैं, जैसे कि डेली चार्ट के हिसाब से जो टारगेट बताया उस टारगेट के हिसाब से भी आप स्टॉक्स ले सकते हो। इसके बाद आ गया कैनफिन होम फाइनेंस, एक सेकेंड, कैनफिन होम फाइनेंस देखिए, हम सारे स्टॉक्स आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं आपका प्रॉब्लम ना हो कोई भी स्टॉक ढूंढने के लिए, पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कैसा चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है नया पोजीशन ले, या फिर कोई पोजीशन में फंसे हुए हैं तब भी निकल पाएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत मंदी देखने के लिए मिला था, अभी सारे रेजिस्टेंस में है, कोई अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है 686 को तोड़ता है तो नया हाई आपको देखने के लिए मिल सकता है। मुझे नहीं लगता ये तोड़ पाएगा, थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर से जाके वापस हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है।
15 मिनट चार्ट में आएंगे, करेंटली सिचुएशन राइजिंग वेज बन रहा है, डाउनसाइड में हम सेल करेंगे इसको, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे 655 का 10 रुपये के ऊपर, टारगेट कहाँ पे रखेंगे नीचे के साइड में 2623 का, ठीक है। तो 20 रुपये का टारगेट और 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। राइजिंग वेज बन रहा है, ऊपर तोड़ने का चांसेस कम है। 41 चंबल फर्टिलाइजर को थोड़ा देखेंगे, केमिकल स्टॉक्स थोड़ा भाग रहे हैं, नहीं तो चंबल फर्टिलाइजर को कैसे हम छोड़ सकते हैं देख लेते हैं एक सेकेंड, क्योंकि मुझे फ्यूचर यहाँ पे शो नहीं किया इसलिए। हाँ तो ये आ गया चंबल फर्टिलाइजर का फ्यूचर, और डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे डेली कैंडल चार्ट में क्या हुआ है। करंटली बहुत तेजी देखने के लिए मिला है और रेजिस्टेंस लेवल में पहुंच चुका है, मुझे नहीं लगता यहाँ से और तेजी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से सेल कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। अगर प्राइस 370 के ऊपर जाता है तभी जाके इसमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मुझे डाउन नीचे गिरने के चांसेस है। अगर प्राइस आप अगर परचेस किए हुए हो, प्राइस अगर तोड़ता है ये रिसेंट लो, ये वाला लो 335, तो बहुत तेज़ी से गिर सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में क्या हुआ है, प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला है और क्रॉसओवर देखने के लिए मिला है जो कि नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहा है। मैं बाय सिग्नल इसमें नहीं दूंगा, मैं इसमें पोजिशनल डाउन ट्रेंड दे रहा हूँ। चोलो फाइनेंस, चोलो फाइनेंस का फ्यूचर देखेंगे डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से, एक नया हाई बनाया है सिंपल सा। यहाँ पे मैं ये रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ और यहाँ पे ये वाला सपोर्ट, राइजिंग वेज बन रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल पे है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से आप सेल कर सकते हो, जैसे आप 767 तोड़ता है तो प्राइस आपको हो सकता है नीचे के साइड में 686 दिखा सकता है 15 मिनट के चार्ट में। अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके लिए और सिग्नल देंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ, एक सेकंड मैं थोड़ा RSI को चेक कर लेता हूँ। RSI भी बहुत ऊपर है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता पोजिशनल इसको बाय करना चाहिए, यहाँ से रिटर्न हो सकता है। 15 मिनट चार्ट में अगर देखेंगे तो उसी तरह प्राइस 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ने के कगार पे है। जैसे प्राइस तोड़ देगा यहाँ पे लो 790 का, तो पूरा इस सपोर्ट तक आ सकता है 695 तक, ठीक है। 100 रुपये का गिरावट देखने के लिए मिल सकता है चंबल फर्टिलाइजर पे, सॉरी चोलो फाइनेंस में। सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड फ्यूचर, ये सब मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे क्या हुआ है, W पैटर्न बनाया है, एक नया हाई बनाने की चाह में चल पड़ा है। ये एक रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है शेयर, एक नया हाई बनाने की कोशिश में है और बना सकता भी है। अगर हम देखेंगे 60 RSI के ऊपर है, यहाँ पे हम बाय सिग्नल देंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट लो 1030 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1055 में आप बाई कर सकते हो। कल अगर पॉजिटिव में मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो, छोटा सा रिट्रेस देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन प्राइस में बहुत अच्छा पैसा मिलेगा बाद में। आपका टारगेट डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से टारगेट आप रखिए 1125, बहुत जल्द ये 1125 तक भी टच करके आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, एक दो दिन के लिए ट्रेड, ब्रेकआउट है सर, अगर प्राइस नीचे भी आता है तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट और डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से बाय सिग्नल ही दे रहा हूँ आपको, ओके। उसके बाद देखेंगे कोल इंडिया, PSU स्टॉक्स बहुत अच्छे भागे हैं, नहीं तो PSU स्टॉक्स में बाय सिग्नल कहीं पे मिल रहा है तो एंट्री करिएगा। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, कोल इंडिया तो रॉकेट हो चुका है डेली कैंडल चार्ट में, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने जो टारगेट दिया था वो सारे टारगेट ये अचीव कर चुका है। मैं इसको थोड़ा वीकली कैंडल चार्ट देख लेता हूँ तभी तो जाके थोड़ा क्लैरिटी आएगा मुझे। ये आ गया इसका लो ट्रेंड और यहाँ पे ये
तोड़ के ऊपर गया है, ये हो गया इसका सपोर्ट लेवल। डेली कैंडल चार्ट में आएंगे, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। प्राइस अगर आपको 220, 230 के पास मिले फिर से एंट्री कर सकते हैं, ये ऑफ ट्रेंड में है, बाय कर सकते हैं। अगर आपका पोजीशन इसमें है तो स्टॉप लॉस 220 का लगाएगा, 220 अगर तोड़ देता है तो आप एग्जिट है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में भी लगभग दो दिनों से बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड रहता नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 230 तक नीचे आ सकता है, आएगा तो बढ़िया पोजिशन ले सकते हैं, उसको तोड़ेगा तो सेल साइड में जा सकते हैं। उसके बाद कोफरेज लिमिटेड लास्ट स्टॉक है हमारा, हर रोज हम 15 स्टॉक्स देखते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे डेली कैंडल चार्ट में सिंपल सेल सिग्नल है, RSI 40 के पास है, हो सकता है सपोर्ट लेके वापस चला जाए, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड थोड़ा देख लेंगे। ये हो गया डाउन ट्रेंड में और नीचे के साइड में हम ये वाला सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो 40 मूविंग एवरेज के पास है, प्राइस ऑफ साइड जा सकता है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 3300 का स्टॉप लॉस रखिएगा, मतलब 200 रुपये नीचे, और टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हैं, टारगेट रिसेंट हाई 3758। अगर प्राइस ऊपर के साइड तोड़ता है तो हो सकता है आपको 410 देखने के लिए मिल सकता है। उसी तरह प्राइस अगर ये सपोर्ट जो है 3300 का तोड़ देता है सपोर्ट, तो नया लो आपको कहाँ तक लो देखने के लिए मिल सकता है, 2812। देखिए ये जो स्टॉक्स में बता रहा हूँ दोनों साइड का बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक पैटर्न के बीच में है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट्स ले सकते हैं, कॉल्स ले सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस गया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके फॉलिंग वेज बना रहा है, तो 15 मिनट के चार्ट में बाय दिखा रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। RSI भी 60 के ऊपर है, आप अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। कौन से टारगेट पे 3820 तक का ये सफ़र कर सकता है अगर अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, कहाँ का ब्रेकआउट, अगर 3580 तोड़ देता है तो 3821 तक इसमें आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये थे हमारे आज के 15 स्टॉक, कल फिर से और 15 फ्यूचर स्टॉक को मैं एनालिसिस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।